बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जाना न्यूज़ एचडी में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं गढ़ा मोड़ की तरफ। मंसूर जट की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ा मोड़ में आइटम डेवलपमेंट और रिव्यू के लिए 4 रोजा वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हो गई। वर्कशॉप का मकसद पेक के इम्तहानात के लिए पेपर बनाना है। माहिरीन तालीम की मखसूस तरबियत के बाद उनके पेपर्स के लिए सवाल बनाने हैं। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ा मोड़ में आइटम डेवलपमेंट और रिव्यू के लिए 4 रोजा वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हो गई। गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ा मोड़ के मुअल्लिम हसनैन तबस्सुम खंड को पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने जिला विहाड़ी के आइटम रिवर के तौर पर मुंतखब किया। इस वर्कशॉप का मकसद पेक के इम्तहानात के लिए पेपर बनाना है। माहिरीन तालीम की मखसूस तरबियत के बाद उनके पेपर्स के लिए सवाल बनाने का कहा जाता है, जिसको रिवर चेक करते हैं और फैसिलिटेटर्स भी चेक करते हैं। इसके बाद लाहौर पेक पेपर्स में वो सवालात दिए जाते हैं। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन आइटम डेवलपमेंट और रिव्यू 4 रोजा वर्कशॉप के दौरान डीओ सेकेंडरी एजुकेशन विहाड़ी शाजी अनवर ने हमरा प्रिंसिपल अब्दुल रहमान और लाहौर से राना इस्लाम ने विजिट किया। फोकल पर्सन कामरान मलिक और लेड मास्टर ट्रेनर आतिफ इफ्तखार और पूरी टीम को शाबाश दी और कहा कि आप विहाड़ी के 10,000 से ज्यादा असातिज़ा कराम में से मुंतखब टीम है। काम ऐसा हो कि पंजाब की सतह पर जिला विहाड़ी को नुमाया मकाम मिले।